नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना योग गुरु उमेश जोशी। साथियों, आज का जो अभ्यास है, अभ्यास का नाम है सर्वांगासन। जैसा कि नाम ही सर्वांग है, अर्थात सभी अंगों में रक्त की गति को सुचारू रूप से पहुंचाने में सहायतार्थ होता है। और जो श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ आसन है, शीर्षासन के बराबरी इसके प्रतिफल प्राप्त होते हैं। वो राजा है तो ये रानी है। हम अभ्यास करेंगे सर्वांगासन। उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो साथियों, चलिए आरंभ करते हैं सर्वांगासन। किस तरह से करते हैं? सर्वप्रथम हम अपने स्थान पर लेट जाते हैं। उसके बाद आप अपने टी शर्ट को अंदर कर सकते हैं, बिल्कुल ऊपर की ओर, पूरा अच्छे से बिल्कुल। और तदुपरांत दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा कर लें सवासन पर। और सांस भरते हुए धीरे धीरे, देखिए किस तरह से करेंगे, धीरे धीरे सांस को भरते हुए ऊपर की ओर आना है। ये लंबा गहरा सांस भरेंगे और धीरे धीरे पीठ को सहारा देंगे, पीठ को सहारा देंगे। और ये इस अवस्था पे और जब वापिस आते हैं तो धीरे धीरे पीठ को ही सहारा दें। बॉडी, अपर बॉडी ना उठे जब आप ऊपर को उठे, तो धीरे धीरे वापिस आए, पीठ को सहारा दें, ये वापस आ जाए आराम से। फिर अपने स्थान पर बैठेंगे बाएं करवट लेके। तो साथियों, ये अभ्यास था सर्वांगासन, जो सभी अंगों को रक्त की पूर्ण प्राप्ति प्रदान करता है। ऊर्जा तुरंत ऊर्ध्वगामी हो जाती है, हमारे मानसिक क्षमता का विकास करते हैं। आंखों में रोशनी, मुखमंडल में ओज तेज, बल बुद्धि का विकास, कानों में श्रवण शक्ति का विकास, विशुद्धि चक्र, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स की जितने भी हमारे रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं, हमारे अंदर सरस्वती का पदार्पण हो जाता है। तो कहने का अर्थ है सर्वांगासन का सीधा प्रतिफल समस्त अंगों को प्राप्त होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। नमस्कार।